हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम। और अंजू मैडम के क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आप लोगों को चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा को पढ़ा चुका है और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि किसी बच्चे ने अभी तक इस अर्थ को नहीं समझा है, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप यह वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। अभी जो वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, यह है चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा के प्रश्न उत्तर चर्चा पर। तो हमारा विषय क्या है? प्रश्न उत्तर चर्चा। यहाँ पर मैं प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर भी बतलाते जाऊंगी। देखिए, जो उत्तर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप उसी को उतार के परीक्षा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चा मेरे बताए गए उत्तर को अपने शब्दों में लिखेगा, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता ज़्यादा मानी जाएगी, उसको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसने अपनी भाषा में उस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो कोशिश करें कि मेरे द्वारा बताए गए उत्तर को समझ करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, कवि की माँ क्या जताती थी? कवि की माँ क्या जताती थी? उत्तर है, कवि की माँ यह जताती थी कि ईश्वर से उनकी मुलाकात या बातचीत होती रहती है। कवि की माँ यह जताती थी कि ईश्वर से उनकी मुलाकात और बातचीत होती रहती है। दो नंबर प्रश्न, ईश्वर से कवि की माँ को क्या सलाह मिलती है? ईश्वर से कवि की माँ को क्या सलाह मिलती है? इसका उत्तर है, ईश्वर से माँ को जिंदगी जीने और दुख सहने का रास्ता या तरीका मिलता है। यानी ईश्वर उसे रास्ता दिखलाते हैं ना कि कैसे जिंदगी जीना है और कैसे दुख सहना है। तीसरा है, माँ ने कवि से एक बार क्या कहा था? माँ ने कवि से एक बार क्या कहा था? माँ ने कवि से एक बार कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। माँ ने क्या कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। अगला प्रश्न है, माँ ने ऐसा क्यों कहा था? माँ ने ऐसा क्यों कहा था? तो इसका उत्तर है, क्योंकि दक्षिण जो है मृत्यु की दिशा है। माँ ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि दक्षिण मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। दक्षिण क्या है? मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि यमराज जी हाजिर हो जाएंगे ना, इसलिए उसे प्रसन्न रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, यमराज कौन है? तो यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। यमराज कौन है? यमराज मृत्यु के देवता हैं। अगला प्रश्न, यमराज के घर का पता पूछने पर माँ ने क्या जवाब दिया? यानी कवि ने जब पूछा माँ से कि यमराज का घर कहाँ है, तो माँ ने क्या जवाब दिया? तो माँ ने यह जवाब दिया कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर है। माँ ने क्या जवाब दिया कि तुम जहां भी हो वहां से जिधर भी दक्षिण दिशा पड़ेगी वहीं यमराज का घर है। इस बात का लाभ कवि को कैसे मिला? अब माँ ने तो यह कह दिया कि तुम जहां भी हो वहां से दक्षिण दिशा ही यमराज का घर है, तो इससे कवि को क्या लाभ मिलता है? कवि को यह लाभ हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। कवि को यह लाभ हुआ कि उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। अगला प्रश्न है,
क्या कवि को यमराज का घर का पता मिला? क्योंकि यमराज का घर का पता कवि ढूंढ रहे थे, दक्षिण दिशा की तरफ बहुत दूर तक गए, तो इसका उत्तर है नहीं, कवि को यमराज का घर का पता नहीं मिला। कवि दक्षिण में दूर दूर तक काम के सिलसिले में गए, परंतु कभी भी दक्षिण दिशा का अंतिम छोर नहीं आया। कवि जो है काम के सिलसिले में दक्षिण दिशा गए, बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन दक्षिण दिशा का अंतिम छोर उन्हें कभी नहीं मिला। मैंने इसका कारण लिख दिया है ब्रैकेट में, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है, किसके तरह? नारंगी की तरह। ये आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा है और इसे प्रमाणित भी किया जाता है कि जहां से हम आरंभ करते हैं चलना, चलते चलते फिर उसी जगह पर आकर हम पहुंचते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह पृथ्वी गोल है। अब अगला प्रश्न, अब कवि को क्या लगता है कि यमराज सिर्फ दक्षिण में रहते हैं? कवि को यह क्या लगता है कि यमराज जो है सिर्फ दक्षिण में रहते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यमराज तो अब चारों दिशा में रहते हैं। यमराज अब सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं रहते हैं, अब कवि को लगता है कि यमराज चारों दिशा में रहते हैं। चारों दिशा में यमराज के आलिशान महल है। चारों दिशा में क्या है? यमराज के आलिशान महल है। अब देखिए, अपने महल में यमराज किस प्रकार विराजे हैं? यमराज तो अपने महल में रहते हैं, लेकिन वो विराजमान किस रूप में है? अपने महल में यमराज अपनी दहकती लाल लाल अंगारों जैसी आंखों के साथ विराजमान है। यानी यमराज दक्षिण दिशा हो, पूर्व दिशा हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, जिधर भी हो, अपने महल में लाल लाल अंगारों वाली आंखों से विराजमान है, यानी क्रोधित नजर रखे हुए है। उनकी दृष्टि कैसी है? क्रुद्ध दृष्टि है, दहकती आग निकल रही है उसकी आंखों से, ऐसी दृष्टि है। कवि की मां अब जिंदा है क्या? कवि की मां अब जिंदा है क्या? अंत में क्या लिखा है कवि ने? नहीं, कवि की मां की मृत्यु हो गई है। कवि की मां की मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि यमराज का घर चारों दिशा में है? अब ये सवाल उठता है कि यमराज का घर तो दक्षिण में पता ही नहीं चला, और कवि ने उल्लेख किया है कि आज जो है यमराज का घर चारों दिशा में है, तो कैसे? क्योंकि आज के समय में यह संकट इतना बढ़ गया है कि आज जिधर भी पैर करके सो, वह आनी है तो आकर रहेगी। तो वह आनी मतलब समस्या, संकट। संकट अगर आनी है तो आकर ही रहेगी। दक्षिण में पैर नहीं करके सोने से संकट टलती नहीं है। अगर आप दक्षिण में पैर करके नहीं सो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, आपकी संकट टल गई है, ऐसा नहीं है। विपत्ति तो आकर ही रहेगी। कोई सुनामी को रोक सका है क्या? कोई भूकंप को रोक सका है क्या? नहीं ना। ऐसी मुसीबत आती है, और उस समय कोई व्यक्ति पूर्व में पैर करके सोए, पश्चिम में पैर करके सोए, उत्तर में पैर करके सोए, या दक्षिण में पैर करके सोए, सबके ऊपर अपना कहर ढाती है। यानी आज दिशा का कोई महत्व नहीं रहा। तो ये है संक्षिप्त प्रश्न, इसमें से आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अब एक प्रश्न जो है वो बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न क्या है? चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखित यमराज की दिशा कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में कविता का अर्थ बतलाया, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपको समझा दिया है। अब उसी अर्थ को आप खुद से समझकर सारांश रूप में लिखें, देखेंगे आपका यह उत्तर तैयार हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? आपको वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखना होगा, आरंभ से लेकर अंत तक। ये नहीं कि आप बीच बीच में छोड़ते चले गए, ऐसा नहीं होगा। सारांश आरंभ से लेकर अंत तक पूरी कविता का होना चाहिए,
तो आप जब पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी तो आप सारांश लिख सकेंगे। और इसके साथ ही साथ आप स्वयं से भी बहुत सारे प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। कविता को पढ़ते हुए भी आपको अगर कुछ प्रश्न बनते हैं खुद से, तो आप उसको भी लिखें। अगर ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं जिसका उत्तर आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यह आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जो जितने सारे दोस्त हैं, मित्र हैं जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उन्हें बताएं, उन्हें शेयर करें और उसे कहें सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।